रूस ने अब यूक्रेन पर सैनिक हमले के बाद साइबर हमला भी शुरू कर दिया है। साइबर अटैक ज्यादा खतरनाक है वर्तमान दौर में। सैन्य हमले में तो महज कुछ इमारतों को ध्वस्त किया जा सकता है या फिर कुछ सैनिक हताहत हो सकते हैं, लेकिन साइबर हमले से पूरा सिस्टम हाईजेक कर दिया जाता है, पूरे सिस्टम को क्वेक कर दिया जाता है, पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है। और यही वजह है कि साइबर की वजह से अब जिस ढंग से हमला हो रहा है उस सबसे बड़ी चिंता यूक्रेन की यही है, क्योंकि वाइपर मेल्सवेयर की वजह से यहां के कई डेटा को उड़ा दिया जाता है और ये डेटा रिकवर नहीं हो सकता। आखिरकार ये साइबर हमले के इसी तरह से अटैक जारी रहे तो आने वाले एक दो दिन में यूक्रेन के सामने और कई बड़ी परेशानियां आ सकती है, जिनमें से वहां ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक का मुद्दा खड़ा हो सकता है। यहां पर पीडीएस से लेकर और दूसरे सेक्टर मेडिकल तक में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जिस ढंग से वो डेटा उड़ाता है उसके बाद इस डेटा को रिकवर नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि वाइपर मेंसवेयर की वजह से यहां दिक्कतें खड़ी हो सकती है और रूस ने अब साइबर अटैक तेज कर दिया। रूस के साइबर अटैक का आलम यह है कि इसके साइबर अटैक से अमेरिका तक थर्राता है। अमेरिका में भी जिस ढंग से चुनाव के दौरान रूस का साइबर अटैक समझा गया था, उसके बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया कि रूस के पास साइबर अटैक की क्षमता उसकी सैन्य क्षमता की तरह ही बड़ी मजबूत है और यहाँ की साइबर सेना भी काफी मजबूत है। और इस साइबर सेना का सामना इस बार यूक्रेन से है और यूक्रेन के ऊपर बरसाए जा रहे हैं इस तरह के स्वीपर और इस तरह के ये साइबर अटैक, जिससे वहां की कार्यप्रणाली को ध्वस्त किया जा सके।